दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग में क्या करते हैं? जीन मैपिंग इज अ मेथड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ जीन्स और जेनेटिक मार्कर्स इन ए क्रोमोजोम। किसी भी क्रोमोजोम में जीन्स का पोजीशन क्या है या जीन कहाँ पे मौजूद है, किसकी तुलना में कहाँ पे है। सपोज कि दो जीन्स है, ए है बी है, तो ए कहाँ है और ए की तुलना में बी कहाँ है, इसे पता लगाने के मेथड को हम लोग जीन मैपिंग कहते हैं। यह मेथड डेवलप किया गया अल्फ्रेड स्टुअर्ट बेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा, और अल्फ्रेड स्टुअर्ट बेंट वाज स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ही एडवांस द स्टडीज ऑफ मॉर्गन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। दोस्तों, जीन मैपिंग दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड लिंकेज मैप, द अदर इज फिजिकल मैप। लिंकेज मैप इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मैप और क्रोमोजोम मैप। द जीनेटिक मैप और लिंकेज मैप टेल्स अस अबाउट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोजोम और इन अ जीनोम। फ्रेंड्स, जस्ट टेक फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि देयर आर टू जीन्स, जीन ए एंड जीन बी, which are present in a chromosome. So we have to determine the position of B with respect to A, in relation to A. So we have to construct a linkage map. यह केवल हमें relative position बताएगा। दो markers हैं, marker A, marker B, तो दोनों का relative position एक दूसरे की तुलना में बताएगा। जबकि the physical map tells us द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ जीन इन अ क्रोमोजोम। फ्रेंड्स, जीन मैप हैव टू एस्पेक्ट्स। वन इज टू डिटरमाइन द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोजोम और जीनोम। हमें पता है कि जीन्स आर अरेंज लीनियरली इन डीएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट इन क्रोमोजोम्स। So this determines that order of arrangement, that order of linear arrangement. Where is A, where is B, where is C, C B के पहले है या A के पहले है या B के बाद है, कहाँ पे है, ये बताएगा हमें जीन मैप। Second, it determines the relative distance between two genes. जैसा कि हमने बात किया था कि B A से कितने मैप यूनिट दूरी पे है या कितने मैप यूनिट नज़दीक है, ये बताएगा। इट टेल्स अस अबाउट द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू जीन्स और टेल्स अस अबाउट हाउ अपार्ट टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड स्टुअर्ट बेंट हैज टेकन द परसेंट ऑफ रिकम्बिनेशन एज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। 1% recombination is equivalent to 1 map unit, and that is also equal to 1 centimorgan. 1 map unit is equal to 1 centimorgan, means 1% recombination equals to 1 centimorgan. Friends, we know ki if the distance between two genes is greater, there is greater possibility of occurrence of crossing over between the two genes. जितना ज़्यादा दूर दो genes एक दूसरे से रहेंगे in a chromosome, उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि उनके बीच crossing over होगा, और crossing over ज़्यादा होगा तो percent recombination भी ज़्यादा होगा। percent recombination ज़्यादा होगा का मतलब है कि frequency of recombination इस हाइब्रिडाइजेशन में, इस ब्रीडिंग में ज्यादा हुआ है। तो फॉर्मूला ऑफ मैप डिस्टेंस, टू फाइंड आउट द मैप डिस्टेंस, द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड विद 100। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मल्टीप्लाइड बाय 100। जस्ट टेक अ केस स्टडी हियर। इन दिस केस वी हैव We are considering two genes, gene A and gene B. Both are dominant genes, and gene small a and small b are the recessive allele of these genes. One parent is double dominant, the other parent is double recessive. They produce gametes
ए बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी, द एफ वन हाइब्रिड वुड बी डबल हेटरोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस हाइब्रिड फॉर एफ टू प्रोड्यूस फोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स. When we arrange a test cross between the hybrid and recessive parent, we will get four types of progeny. The total number of progeny is 400 here. Out of these 400 progenies, these two categories are of parental type. These two are parental type. One is 160, one type is 160, and the other type is 165. Their number is 165. These two progenies, two types of progenies are recombinants. Their number is respectively 36 and 39. The map distance can be obtained by this data. Just use the definition formula from here. The percent recombination is equal to number of recombinants divided by total number of progeny into 100. Total number of recombinants are 75, total number of progenies are 400, so we will get 18.8% of recombination, means the distance between gene A and B is 18.8 centimorgan. Now we can construct the gene map. This is chromosome, in the chromosome A is here, then B is 18.8 centimeter away from